बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज रियाज, योर केमिस्ट्री टीचर। कल हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था कि रिलेटिव मास क्या टर्म है, इसके मायने क्या है। अगर हम इसकी लफ्जी मायने करें ना, ठीक है, लिटरल मीनिंग करें, तो हमने पढ़ा था रिलेटिव के मायने होती है कंपेरेटिव, ठीक है, मीन्स के मुआजनतन आप कोई बात बता रहे हो तो एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि हम ये रिलेटिव एटॉमिक मास का टर्म क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास का टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम नॉर्मली जो मास के लिए हम अपने यूनिट को यूज करता हुआ देखते हैं तो वो है आपके पास ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। अब एटम्स जो है वो तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सो अगर हम उनका मास जो है वो ग्राम या किलोग्राम में लेते हैं तो देट वुड बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास एक कहावत है जो हम उर्दू में कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर बना, जैसे कि पश्तो में इसके लिए जो है वो है विश्व बचती और सबे परवाही के ना, तो वो वाली बात आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो वो यहाँ पे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो उस कहावत से इसको कि जैसे एटम इज आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ना, बहुत छोटे जर्रे होते हैं, तो उनके मासेस क्या होंगे, ठीक है, देट वुड आल्सो बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ना, वो भी आपको एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू देंगे। तो इस वजह से कहा गया कि अगर हम मास ऑफ एन एटम जो है उनको ग्राम या किलोग्राम में मेजर करें तो ये आपके पास एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज आएंगे। एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे वैल्यू, जिसका हमने पढ़ा था कि उसके साथ जो वैल्यूज लगे होंगे ना पावर ऑफ 10 की शक्ल में, तो वो होंगे 10^-24 ग्राम से लेकर 10^-22 ग्राम तक, मतलब इतनी स्मॉल वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा आपको था कि आजकल जो सबसे सेंसिटिव सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ डिजिटल बैलेंसेज यूज किए जा रहे हैं ना, तो दे कैन मेजर अप टू माइक्रोग्राम, 10^-6 ग्राम तक, माइक्रोग्राम तक वो मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है दैट इज 10^-24 ग्राम टू 10^-22 ग्राम, एंड दैट इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ना, बहुत ज्यादा छोटी है। तो वो ये उस बैलेंस के या किसी भी बैलेंस के बस की बात नहीं है कि इसको मेजर कर सके। इस वजह से हमने पढ़ा कि मेजरिंग सच अ स्मॉल वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू को मेजर करना, उसका उसकी पैमाइश करना आपके पास क्या है, नॉट ओनली इम्पॉसिबल, या ये न सिर्फ आपके पास नामुमकिन है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल टू वर्क विद मीन्स, मैंने आपको कहा था जिसको हम अमल में ना ला सके, जिसको हम प्रैक्टिकली ना कर सके, तो हम ऐसे काम को हम इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इम्प्रैक्टिकल की, जैसे कि आप सूरज की रोशनी को कैद करना चाह रहे हो ना हाथों में, आप बाहर जाते हो अपनी हाथ फैला लेते हो और उसमें सूरज की रोशनी आती है, आप उसको चुरा के अंदर लेके आते हो, फिर आप बोलते हो वहां पर रोशनी नहीं होती ना, दैट मीन्स कि आप उसको कैद नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसी तरह से इम्प्रैक्टिकल के मायने होती है कि आप जिन कामों को आप अमल में ना ला सको, जिनको आप अमली तौर पर ना कर सको, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। फॉर दैट पर्पस, इस मकसद के लिए क्या किया गया कि एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस किया गया बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम, कि उनको कंपेयर करें एक स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ, एक स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ। अब वो स्टैंडर्ड एटम जो चुना गया दैट वॉज कार्बन 12, क्या था, कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 को चुनने के मैंने आपको वजूहात बताए थे कि एक इसका जो मास है वो राउंड फिगर है, आपके पास होल नंबर है, ठीक है, डेसिमल में नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये इजीली अवेलेबल है आपके पास, कार्बन मोस्ट अबंडेंट आपके पास आता है अर्थ पे, ठीक है, तो इस वजह से इजीली अवेलेबल है, तो इस वजह से, और ये काफी स्टडी किया गया है ना पहले से, तो इस वजह से मोस्ट स्टडीड आपके पास, मोस्ट इजीली अवेलेबल एंड मास विद अ राउंड फिगर, आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन जो कि लिया गया एज अ स्टैंडर्ड कहते हैं पैमाने को, ठीक है, जिसके साथ आप दूसरी चीजों को कंपेयर करते हो ना, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, पैमाना। तो यहाँ पे कार्बन 12 को लिया गया, कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया और बाकी एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर किया गया। अब मसला ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मासेस जो होते हैं ना वो कार्बन 12 से कहीं ज्यादा कम है, ऐसी एलिमेंट है जिनके मासेस जो है वो कार्बन 12 से कहीं ज्यादा कम है, इस वजह से rather than comparing them with a 12 mu, जो कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12 mu ना, 12 यूनिट्स, ठीक है,
12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स, या सिर्फ सिंपली हम यूनिट्स इनको कहते हैं 12 यूनिट्स, ठीक है। तो जो आपके पास कार्बन की मास है 12 यूनिट्स, ठीक है, तो जो एटम कार्बन से मास में कई ज्यादा कम है तो उनको इस 12 एमयू के साथ कंपेयर करना क्या था, मुश्किल था। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि एक शॉपकीपर के पास 5 केजी का एक ही स्टैंडर्ड होता है और आप उसको गिरा के कहते हो मुझे 1 केजी चाहिए, तो आपको वो 5 केजी से 1 केजी तोल के नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसके पास 5 स्टैंडर्ड है, आपके पास 1 kg each, आपके पास 5 स्टैंडर्ड उनके पास है, 5 उनके पास वो पत्थर पड़े हुए, आप जाते हो तो आपको वो 5 क्वांटिटीज मेजर करके उनसे दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2, 3, 4, 5 सभी लेके दे सकता है। तो इसीलिए जिन एटम्स के मासेस जो थे वो कार्बन 12 से कम थे, तो रेदर देन कंपेयरिंग देम विद 12 AMU, उन्होंने जो इजीली आर मोर कन्वीनियंट वे चुना, तो वो ये था कि हम कार्बन 12 की जो 12 AMU है इसका 12वां हिस्सा लेते हैं, 1 AMU, ठीक है, और उस 1 AMU के साथ बाकी एलिमेंट को जो है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन लिखी गई है, द डिफिनेशन इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो किसी एलिमेंट का है वो क्या है, वो आपके पास मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास है, रिलेटिव, रिलेटिव मींस कंपैरेटिव टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 की 1 AMU की डिफिनेशन है। यहां से ओके, मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 की, मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 की AMU की डिफिनेशन है, 1 AMU की। दैट मींस कि इसकी जगह ये जो यहां से यहां तक है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो बच्चे AMU, AMU। तो the relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 of the mass of carbon 12, ये लिखना है आपने, या relative to the mass of 1 AMU आप लिखो तो, या relative to 1 AMU आप लिखो तो सही होगा आपके पास, ठीक है। the mass of 1/12 of mass of carbon 12 ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये mass या ये d से लेकर यहाँ तक आपके पास किसकी डिफिनेशन है, AMU की, ठीक है। तो दैट मींस कि इस मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 की जगह आप 1 AMU भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि रिलेटिव मास मींस द कंपैरेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। आपके पास क्या है, रिलेटिव मास जो है किसी एलिमेंट का, वो ये होगा कि वो उसके एक एटम का मास होगा उस एलिमेंट के एक एटम का, किसके साथ कंपेयर करके, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके। अब मैंने आपको बता दिया कि 12वां हिस्सा क्यों लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके मासेस जो है वो कार्बन 12 से बहुत कम है, ठीक है। तो रेदर देन कंपेयरिंग देम विद अ 1 विद अ 12 AMU दे प्रेफर बाय टू कंपेयर देम विद अ 1 AMU, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 12 हिस्सों में इनको डिवाइड किया। फिर हमने पढ़ा था कि हमें यहाँ पे एक स्केल, एक फिजिकल बेसिस, या अच्छा ये देखिए डायग्राम जो है, डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे 12 कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 यूनिट्स लिखा हुआ है। तो ये 1-1 सर्कल जो छोटे सर्कल आपके पास है, छोटे स्पेयर से है, दीज आर मीन कि दे इंडिकेटिंग 1 यूनिट्स, ठीक है, 1 AMU। तो 12 AMU आपके पास 1 कार्बन है, तो वैसे ही सिंपली आपको वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स या 12 AMU, ये आपने याद रखना है, ये मैं भी आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है, एंड 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 क्या होगा, 1 यूनिट, दैट मींस कि 1 AMU। तो यहाँ पे आप AMU लिखते या यूनिट लिखते, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके साथ स्लैश लिखकर AMU लिख सकते हो आप, या R लिखकर OR वाला R AMU लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स आर 12 AMU एंड 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। जैसे मैंने आपको यहां बताया ना कि ये AMU की डिफिनेशन है, यहां से यहां तक, ये किसकी डिफिनेशन है बच्चे, AMU की। तो अगर आप ये डिफिनेशन याद कर लेते हो तो आपको AMU की डिफिनेशन भी याद हो जाएगी एंड साथ साथ में आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये स्केल दिया गया है, दैट इज जस्ट वैसी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब कि इस स्केल का उस तरह से कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बस ये वो स्केल आपको सिर्फ बता रहे कि आपके पास 1 AMU से लेकर ये मास जो है ये इंक्रीज हो रहा है ना, 1 जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, सबसे लाइटेस्ट, सबसे कम वजन वाला, सबसे कम वजन वाला जो एलिमेंट है ना, सबसे लाइटेस्ट हल्का, तो वो आपके पास कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से ये स्केल स्टार्ट हुआ है एंड एक्सीड टूवर्ड्स यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, मीन्स कि कोई यहाँ पे कोई रेशियो, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बस ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे आपके पास, क्योंकि लाइफ वर्ल्ड इज स्टिल
वर्ल्ड स्टिल नीड्स टू बी डिस्कवर्ड ना, आपके पास ये दुनिया जो है अभी भी डिस्कवर्ड होने के या डिस्कवर्ड होने की करने की तलाश में है, ये भी कर सकते हैं हम इसको, डिस्कवरीज और भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी तक सारी यूनिवर्स जो है पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये आसमा आलम अपना क्वेश्चन याद रखे, लास्ट में आपने करना है, ठीक है बच्चे, जो भी आपको समझ ना आया हो, तो ये स्केल जो आपके पास है, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपको पता चले कि ये जो स्केल है, ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन से, इट मींस कि सबसे लाइटेस्ट कौन है, हाइड्रोजन है, दैट हैज अ रिलेटिव मास ऑफ 1.008, ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1.008 इससे क्यों आता है, ठीक है, ये 1 क्यों नहीं आता, होल नंबर क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इसका 12 है, इसका 15.998 है, जिसको हम राउंड अप करके 16 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है दैट इज 9, और 9 को खत्म करना हो हमने तो ये एक डिग्री ये जो है ये राइज कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास 24.305, तो ये एक स्केल आपको दिया गया है, ये आपने लर्न करना है ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये इसके आगे जो आपके पास है दैट इज एएमयू, जो हमने पढ़ा अभी कि एएमयू इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, ये हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कर्सर लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये जो है ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब उस 1 AMU को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है और उसको ग्राम में कन्वर्ट किया गया है, डिफाइन भी किया गया है और ग्राम में कन्वर्ट भी किया गया है। एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, ये देखिए वही डिफिनेशन है, मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एन एटम ऑफ कार्बन 12, सिर्फ ये वो थोड़ा सा एग्जेजरेट करके थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बयान किया गया है, ठीक है, तो वही है, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के मास के मतलब 12वें हिस्से को कहते हैं, ठीक है, 1 AMU, याद होगा बच्चे। सिमिलरली आप, अच्छा आप लोगों ने अभी याद रखना है ये एक थोड़ी बातें आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि एटॉमिक मास तीन टर्म्स यहाँ पे आप सुन पढ़ोगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, ठीक है। अब आपने याद रखना है एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, किसका होता है, एलिमेंट का, ठीक है, फार्मूला मास जो है वो कंपाउंड का होता है, एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, फार्मूला मास कंपाउंड का होता है, और किन कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड्स का, कौन से कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, तो आप तीनों को ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, एटॉमिक मास के नीचे लिखे कि ये सिर्फ एलिमेंट का होगा, फार्मूला मास के नीचे लिखे कि ये सिर्फ कंपाउंड का होगा, एंड जो दरमियान में मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है उसमें लिखे कि ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल होते हैं, आपने मिक्सचर्स में पढ़ा था, याद है आपको मिक्सचर के डायग्राम में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास मींस कि मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आपने याद रखना है एक और बात कि इस यूनिट के हम जो लास्ट में पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, ये दो टर्म्स है आपके पास, मोल एवोगैड्रो नंबर, मोल आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो SI यूनिट है ना, SI सिस्टम इंटरनेशनल जो आपके पास है जिसमें कुछ यूनिट्स को चुना गया है एज बेसिक यूनिट्स ना, तो उन बेसिक यूनिट्स में आपके पास एक क्वांटिटी जो है वो एक बेसिक क्वांटिटी आपके पास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो 7th वन है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और आपने देखा होगा वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट चुना गया है ना दैट इज मोल, क्या है वो, मोल, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, ठीक है, ये तीन टर्म्स आप यूज करोगे यहाँ पे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ठीक है, एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए होता है, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए भी होता है और एलिमेंट के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मोल हमने पढ़ा कि मोल है यूनिट फॉर एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उसके लिए यूनिट है मोल, क्या कहते हैं उसको, मोल, मोल का फुल फॉर्म एम ओ एल ई है, जब उसका सिंबल है वो है एम ओ एल, ठीक है, एम ओ एल ई, मोल,
एंड उसका सिंबल क्या है, या यूनिट, जो यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, MOL, ठीक है। तो आपने याद रखना है एटॉमिक वेट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आपके पास है 12 AMU, ये आप लोगों ने वहां पे आगे पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे कि वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU, कितना है बच्चे 12 AMU, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, अब इसका मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ग्राम क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आपने याद रखना है बच्चे कि जब हम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस, क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स और कंपाउंड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चे, सब्सटेंसेस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि मिक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड को कलेक्टिवली हम सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस, अब सब्सटेंस मैंने कह दिया तो इसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस मीन हम उसको रिप्रेजेंट करें या लिख के किसमें, ग्राम में, एमयू की जगह, किसकी जगह, एमयू की जगह। एटॉमिक मास के साथ भी एमयू लगाते हैं, मॉलिक्यूलर मास के साथ भी एमयू लगाते हैं, फार्मूला मास के साथ भी क्या लगाते हैं, एमयू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको, मतलब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को एंड फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम उनको क्या करें, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, क्या कहेंगे उसको, मोल कहेंगे, ठीक है। अगर हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अब उसके साथ आपने लिखना है इंस्टेड ऑफ एमयू या नहीं लिखना आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन आपने लिखना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एमयू इज कॉल्ड मोल, क्या कहेंगे उसको, वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा अब कार्बन का आपको पता है कि उसका मास जो है वो 12 AMU है, 12 AMU, अब उस 12 AMU की जगह आप क्या लगाओ, 12 ग्राम, तो ये वन मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन मोल। अब देखिए ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12 AMU, उसको हमने एक्सप्रेस किया किसमें, ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा, वन मोल, ठीक है। ये आपके पास एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, आपने याद रखना है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ AMU, इंस्टेड मींस की जगह, की बजाय, ठीक है, ऑफ AMU इज कॉल्ड वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस जो भी हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड जो भी हो आपके पास, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखें, आपने एक और बात याद रखनी है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो, ये आप लास्ट में पढ़ोगे, एमिडियो एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो उस साइंटिस्ट का नाम है, सिंपल अगर हम कहें, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने ये मालूम किया था कि ये जो भी सब्सटेंस होगा ना आपके पास, जो भी चीज होगी, अगर उसके वन मोल होगा, उसका वन मोल मीन्स कि उसका, जैसे एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगा लो तो उसका वन मोल होगा, जैसे कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 1 AMU है ना ऊपर लिखा हुआ है 1, ठीक है, तो इसके साथ ग्राम लगाओ तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का वन मोल कितना होगा, 1 ग्राम, कार्बन का वन मोल कितना होगा, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वन मोल कितना होगा, 15.998 ग्राम, ठीक है, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम के लिए है, उसका जो वन मोल होगा वो होगा 24.305 ग्राम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इन एटॉमिक मास के साथ हम ग्राम लगा लें तो ये आपके पास मोल हो जाएगा। तो एवोगैड्रो ने क्या किया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ठीक है, कि मतलब मालूम किया उन्होंने कि जब भी आपके पास इस चीज का वन मोल होगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, ठीक है, वन मोल होगा मतलब कि इनके साथ ग्राम लगा लिए, इन वैल्यूज के साथ, ठीक है, तो किसी भी चीज का वन मोल होगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें पार्टिकल जो होंगे वो होंगे 6.023 × 10⁻³, ठीक है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10⁻³ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो भी हो आपके पास, ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिमिलरली वन मोल ऑफ कार्बन 12 आपके पास क्या, कितने एटम्स उसमें होंगे, क्योंकि ये कार्बन 12 तो एलिमेंट है ना, तो इसके एटम्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास कितने एटम्स होंगे इसमें, 6.023 × 10⁻³ एटम्स। एवोगैड्रो ने क्या कहा,
कि किसी भी चीज का वन मोल होगा ना, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10⁻³ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स होंगे बच्चे, 6.023 × 10⁻³, ठीक है। बच्चे ये आप लोग क्यों चैट में फजूल बातें कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये देखे कि जो आपके पास किसी भी चीज का वन मोड होगा ना, किसी भी चीज का वन मोड होगा तो आपके पास उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, ठीक है, पार्टिकल्स उसमें इतने होंगे। अच्छा, उसके बाद ये आपको कुछ कैलकुलेशन दी गई है जो आपके बुक में थोड़ी शॉर्टली करी गई है, ठीक है। तो मैं आपको इनकी दूसरी फॉर्म बता रहा हूँ, आपके मैंने ग्रुप में भी सारे ग्रुप्स में मैंने शेयर भी कर दिया है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो आप उनसे वो कैलकुलेशन अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपने करनी है और उसमें अगर आप उसको सिर्फ पढ़ोगे भी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसने क्या हुआ है, वन एटम ऑफ कार्बन 12 आपके पास 12 एमयू का बराबर है, तो ये वो डायरेक्टली किया गया है ना, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, आप वो देखिए। तो ये देखिए, अच्छा अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड एटॉमिक मास स्केल, जो आपके पास एटॉमिक मास स्केल है ना, तो उसके साइड में लिखा हुआ था, आपने पढ़ा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो है, मास ऑफ वन कार्बन एटम आपके पास कितना है, 12 यूनिट्स के बराबर, मतलब कि 12 एमयू के बराबर, ये आपने वहां पे पढ़ा। इसको आप लिखिए इक्वेशन 1, क्या लिखे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने मोल के डिफिनेशन में पढ़ा कि हम किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में इंस्टेड ऑफ एमयू, तो उसको 1 मोल कहेंगे। दैट मींस के 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, कितना हो जाएगा, ये एमयू की जगह क्या लगा लिया, ग्राम, तो ये क्या बन गया, मोल बन गया, ठीक है। ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम था 12 एमयू, हमने उस एमयू की जगह क्या लगाया, ग्राम लगाया, तो ये बन गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो ये थी अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो के, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे आपके पास किसी भी चीज के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम्स, मतलब कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम। अच्छा, अब आप इन दो डिफिनेशन को कंपेयर कर लेना, इसको और इसको, तो आपको पता चलता है कि ये वाला साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। और आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो और उसमें उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो, तो राइट हैंड साइड जो है वो भी बराबर होगा, ठीक है। अगर आपके पास दो इक्वेशन हो और उनके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो, ये एक रूल है ना, तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए तो इनके लेफ्ट हैंड साइड, इन दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दैट मींस के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हमने इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया और हमें ये पता चला कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हमने वही लिखा कि 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम्स आपके पास बराबर होंगे किसके, 12 ग्राम्स के, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्राम तो मास का यूनिट है, दैट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम्स कितना होगा, 12 ग्राम्स के, ठीक है। ये वही यही जुमला है, यही वाला है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम्स 12 ग्राम के बराबर है। दैट मींस कि 6.023 × 10⁻³ कार्बन एटम्स का मास जो है वो कितना है, 12 ग्राम है, याद होगा बच्चे। अच्छा, अब हमने एक एटम का मास मालूम करना है ना, तो दैट मींस कि हमें, हमारे पास इस वैल्यू की जगह 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। दैट मींस कि हमने इस वैल्यू को यहाँ से वैनिश करना है, खत्म करना है, गायब करना है इसको, ठीक है। अब गायब करते हैं तो आपको मैंने परसों बताया था कि हम किसी वैल्यू को खत्म करते हैं ना तो उसी पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि डायमंड कट्स डायमंड ना, हीरा हीरे को काटता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 6.023 × 10⁻³ को 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको इसी वैल्यू पे डिवाइड करना है। अब ये तो इक्वेशन है, इट मींस कि अगर हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है तो इस साइड को भी इस पे डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखा कि फॉर मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बोथ साइड बाय 6.023 × 10⁻³ एज फॉलोस, जो नीचे हमने किया भी है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा मास ऑफ 6.2, वही इक्वेशन लिखा लेकिन सिर्फ नीचे क्या किया, उसी वैल्यू पे डिवाइड किया, ठीक है, इज इक्वल टू 12 ग्राम, और 12 ग्राम को भी उसी वैल्यू पे डिवाइड किया 6.023 पे, ठीक है।
अभी आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ये वन वन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, दैट मीन्स कि मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम यहाँ पे रह गया है। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करें, 12 को 6.023 पे डिवाइड करें, ठीक है। 12 को लेना है और किस पे डिवाइड करना है, 6.023, तो आपके पास आएगा 1.9923। इस वैल्यू से आएगा और फिर जो 10 ईयर्स का 23 है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है, पावर का जो साइन है वो प्लस है ना, तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो अभी आप देखिए आगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया है मास ऑफ वन कार्बन एटम, क्योंकि ये वैल्यू तो खत्म हो गई, यहाँ पे वन रह गया है, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या है, इसको इस पे डिवाइड करके 1.9923 × 10⁻²⁻²⁻³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 
इसको ऊपर ले जाना है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अभी आप देखिए, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। अब अगर आपका हाफिजा तेज है और आप लोग बादाम खा रहे हो ना, तो आपके पास क्या है, आप आगे जाके देखिए स्टार्ट से, जहां से हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, तो हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ मास, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 mu, जिसको हमने इक्वेशन वन दिया था। अब इस इक्वेशन को याद रखे कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 mu, और नीचे वापस आ जाए, ठीक है, लेफ्ट पकड़ के नीचे आ जाए। अब हम नीचे आ गए हैं तो हम देखते हैं कि वही सेम बात यहाँ भी आ गई है, यहाँ भी लिखा हुआ है मास ऑफ वन कार्बन एटम, लेकिन ये वैल्यू तो चेंज है। दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशन आए हैं जिसका ये वाला साइड तो सेम है, लेकिन ये वाला साइड मुख्तलिफ दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि हम रूल को फिर लागू कर सकते हैं यहाँ पे, और वो रूल क्या था कि हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वेशन के इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मास ऑफ वन कार्बन एटम, वहां भी मास ऑफ वन कार्बन एटम था, ठीक है। एंड एज अ रूल आपके पास रूल ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे बच्चे, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अभी मतलब ये कि वहां पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था 12 mu, क्या लिखा हुआ था 12 mu, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1.9923 × 10⁻²³ ग्राम। दैट मींस के वो 12 mu इसके बराबर है, याद होगा बच्चे, क्योंकि वो दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड है ये और वो ऐसे दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड है जिनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि 12 mu इज इक्वल टू 1.9923 × 10⁻²⁰ ग्राम, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चे, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप पढ़ लोगे भी ना एकदम से, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कराया गया है, ठीक है। अच्छा, फॉर 1 mu, अब हमने 1 mu बताना है। अब ये तो बच्चे अच्छे आप बता सकोगे, ठीक है, आपको किसने मुझे बताना है, ठीक है, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे 12 mu से 1 mu बताना है, तो कौन बताएगा? जीम बलगलरा, आपका कोई क्वेश्चन है या बताना चाह रही हो? जी हलील, बताएं। सर जी, हम 12 mu को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो 12 को कर देगा तो 1 mu। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। अब हम 12 mu को क्या करेंगे, उसको 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे बच्चे, उसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे। अब 12 पे डिवाइड करेंगे, तो उसको क्या करेंगे बच्चे, उसको हम 12 पे डिवाइड कर लेंगे। अब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 mu। दैट मींस कि 1 mu इज इक्वल टू, अब ये हमने डिवाइड कर लिया है तो ये बेचारा तो रोने लग जाएगा, ये कहेगा कि अच्छा इसको डिवाइड कर लिया है, मुझको नहीं करोगे, या अगर प्रेस करे इसको छोड़ दिया तो ये बेचारा रोने लगेगा। तो हमने इसको भी डिवाइड किया हुआ है तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने 1 mu यहाँ से आ गया है, 1.9923 को भी 12 पे डिवाइड किया तो उससे आया 0.166, ठीक है। ये आप अपने कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उससे आप करें, तो 1 mu यहाँ पे जो रह गया हुआ है ना, ठीक है, 1 mu उसको यहाँ पे जो आया हुआ है 1.9923, तो उसको भी 12 पे डिवाइड किया तो इसको जब 12 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.166 × 10⁻²⁰ ये आपके पास वही इक्वेशन आया। अब
फिजिक्स वाले जो है वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो आपने गलत लिखा हुआ है, मतलब कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो हमने कहा कि हम कर रहे हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में, थोड़ा सांस ले आप, ठीक है, तो हम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट में। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं ना, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं इन इन सीकिंग अ नॉन जीरो डिजिट, आप सीकिंग मीन तलाश कर रहे होते हैं नॉन जीरो डिजिट को, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इसलिए हम यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.66, ठीक है, और 10^23 उसके पास पहले से था। अब हमने 1 डिग्री शिफ्ट किया हुआ है, दैट मींस कि -1 और एड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1.66 × 10^-24। इसके साथ आपने ग्राम लगाना है, क्या लगाना है, ग्राम, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास वो ग्राम था ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने लगा लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 AMU = 1.66 × 10^-24 grams, ठीक है। अब हमने जो है AMU का मास जो है वो मालूम कर लिया है कि 1 AMU ग्राम में कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू देखिए 10^24, और जाए पीछे तो वहां पे देखिए रिलेटिव टाइम मास में, तो वहां पे जो रेंज हमें दिया गया था ना कि जो मासेस ऑफ एटम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज आ रहे हैं, तो उसमें लिखा गया था कि वो 10^-24 से 10^-22 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है, याद होगा बच्चे, वो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये सबसे जो कम वैल्यू है ना वो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ग्राम में, 1.66 × 10^-24 grams, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये तो ग्राम है और ग्राम हमें नहीं पसंद, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करा के दो, तो उसके लिए फिर आपने ये वाला करना है, ठीक है, समझ आ रहे है? वो इक्वेशन था कि 1 AMU = 1.66 × 10^-24 grams, जो लास्ट में आया हमारे पास वो ग्राम में 1 AMU का मास इतना था। अब इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने एक बात याद रखनी है बच्चे, ठीक है, जो आपको सिंपल मैं करके बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये अपने साथ याद रखना है। आपको फिजिक्स में कुछ कन्वर्जन फैक्टर बताए जाते हैं कि एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट के बराबर अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके साथ वो नंबर कितना लिखना पड़ता है, ये वाले जो नंबर है ना ये कितना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने एसआई यूनिट में पढ़ा भी होगा कि 1 किलोग्राम जो आपके पास है, प्रीफिक्स किलो का मतलब होता है 1000, तो दैट मींस कि 1 किलोग्राम आपके पास बराबर होता है 1000 ग्राम के, कितने के बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक जो है उसके 1000 के बराबर है, ठीक है, दैट मींस कि ये वाला जो केजी है ये बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट है, और जो ग्राम है ये कौन सा यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। अब लार्जर यूनिट है स्मॉलर यूनिट है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करें ना, लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करें, लार्जर इंटू स्मॉलर, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और जब स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। अब किस पे डिवाइड करना है, बाय द वैल्यू रिटन विद द स्मॉलर यूनिट, उस वैल्यू पे जो स्मॉलर यूनिट के साथ लिखी गई हो। यहाँ पे स्मॉलर यूनिट कौन सा है, ये वाला ना, ये वाला तो नहीं है, तो दैट मींस कि 1 पे नहीं, किस पे डिवाइड करना है 1000 पे। तो ये आपने अपने साथ याद रखना है कि अगर हमने स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड करना है, और अगर लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है बाय द वैल्यू रिटन विद द स्मॉलर यूनिट, उस वैल्यू पे जो हमने किसके साथ लिखा हुआ है स्मॉलर यूनिट के साथ, ठीक है। अब उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें पता है कि 1 kg जो है आपके पास बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो हमने इसको 1000 पे क्या करना है डिवाइड करना है। अब 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं, हमने लिख दिया है 1.66 × 10^-22 डिवाइड बाय 1000, तो हमने यूनिट भी चेंज कर दिया कि अब ये किलोग्राम हो गया, क्या हो गया किलोग्राम, ठीक है। अब ग्राम तो नहीं सकते क्योंकि हमने तो 1000 पे डिवाइड कर दिया है, इट मीन्स कि हम किलोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10^3 के तौर पर, ठीक है, तो हमने वैसे भी लिख दिया आर, ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये -3 हो जाएगा, और फिर अगर बेसिस सेम हो तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ है एक रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगता है, ठीक है, पावर्स को ऐड करना है और साइन कौन सी वैल्यू का लगाना है बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे तो दोनों का साइन माइनस है, तो हमने दोनों को ऐड किया 24 + 3 = 27 और साइन जो है इसका है तो वो माइनस हमने लगा दिया, इट मीन्स कि 1 AMU = 1.66 × 10^-27 kg, तो ये आपके पास 1 AMU का मास आया किलोग्राम में,
और वो जो ऊपर है आपके पास वो किस में आया था बच्चे, ग्रेन में, तो ये आप कर सकते हो। अभी किसी का क्वेश्चन है बच्चे तो वो जल्दी से पूछ लें, ठीक है, टाइम जाया नहीं करना। जी खुशहाल खान बच्चे बताएं। सर जी वो केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन नंबर टू नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर टू, टेस्ट की बात कर रहे हो? केमिस्ट्री में डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट एंड प्रोड्यूसर मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा अच्छा सही है बच्चे, ऐसे करते हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, ठीक है, आप उससे रहनुमाई ले लो बच्चे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अच्छा ये मलगलरा बच्चे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, गुलू बताएं। सर ये टू सेटन कहाँ से आया? क्या बच्चे? सर ये 1 MU के साथ जब हमने मतलब ये एक तो हमारे पास 10-24 है, ये दूसरा कहाँ से आया 10⁻³? ये केजी के लिए लिखा बच्चे ना, हमने जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, यहाँ पे देखे ये ग्राम है, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करा है, तो हमने नीचे पढ़ा कि जब हम छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम उस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि उस छोटी वैल्यू के साथ लिखा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है 1 kg = 1000 gram। अब केजी जो है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो है ग्राम, और ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हमने पढ़ा है कि स्मॉलर को जब हम लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो उस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे जिस जो किसके साथ लिखा हुआ, स्मॉलर यूनिट के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 1000 पे डिवाइड किया, ठीक है। अब 1000 पे डिवाइड करें तो 1000 की जगह हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, अब ये तो बड़ी छोटी वैल्यू है ना, और भी डिवाइड करेंगे तो ये तो और छोटी हो जाएगी, तो हम ये 1000 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻³। क्या लिख सकते हैं? 10⁻³। तो वो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो आपके पास वो -3 हो जाएगा, ये यहाँ से आया बच्चे, समझ आ गए? ओके सर थैंक यू। समझ आ गए बच्चे? नहीं सर। नहीं, चलिए आप पढ़ ले फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे, कि ये केजी के लिए आया है। कहाँ किसके लिए आया है बच्चे? सर केजी के लिए। हाँ, पर कन्वर्जन इनटू केजी, या एक जरा सोच समझ के पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन है बच्चे? फिर से एडमिट कर दिया, चलो बच्चे खत्म करो। नो तो कुछ नहीं।